ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हासनगर विधानसभेसाठी सोमवारी भाजपाकडून कुमार ऐलानी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडून ओमी कलानी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. विशेष म्हणजे कुमार ऐलानी याने गरजूंची गर्दी जमवत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी केली, त्यामुळे पुढील 4 तास धीम्या गतीने चालू होती. आज नामांकन दर्ज किया, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि आज हमने नामांकन दर्ज किया है और हमने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था. मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन था कि दिवाली का सीजन है, ट्रैफिक है पूरे रास्तों पे, और यहाँ तक आने के लिए जो हम रैली हर टाइम निकालते हैं, लास्ट टाइम जब हमने रैली निकाली थी तो बहुत हज़ारों में लोग आए थे. इस बार भी हमें काफ़ी टाइम से फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि कब आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो हम लोग आपके साथ आए. बट हमको ऐसा लगा कि दिवाली का सीजन है, ट्रैफिक जैम है, रोड्स की हालत खराब है, तो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करके उनको अपना बिजनेस चलाने दें, क्योंकि हमारा शहर एक व्यापारिक शहर है. तो हम लोग ने सोचा हमारे नियर एंड डियर वन जाके फॉर्म. आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, शिवसेना और कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार आदरणीय ओमी कलानी जी का आज यहाँ पर एसडीओ कार्यालय में आकर, प्रांत कार्यालय में आकर उनका फॉर्म भरा. और मैं आज, हमने कोई भी रैली नहीं निकाली, ना कोई जलसा, क्योंकि आज हमारे शहर में और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से दिवाली का उत्सव है, हमारा शहर व्यापारी शहर है, व्यापारियों को तकलीफ न होने के कारण ये महत्वपूर्ण निर्णय हमारे कोर कमेटी ने लिया है और उसी के कड़ी में आज यहाँ पर ओमी कलानी जी फॉर्म भरे हैं. और लोगों का जो उत्साह है, लोग आज कलानी महल में सुबह से लेकर ओमी कलानी जी को आशीर्वाद देने आए हैं, पप्पू कलानी जी को मिलने आ रहे हैं. ऐसे लग रहा है कि 25 से 30 हजार के लीड में ओमी कलानी जी चुनाव जीतकर इस बार उल्लासनगर के विधानसभा में ओमी कलानी जी पहुंचेंगे. उनके ऊपर यानी जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें दिखा दिया कि एक नई सोच, एक युवा सोच अगर राजनीति में आती है तो उसमें किस तरह के बदलाव पूरे महाराष्ट्र में दौरे पे मंगाया जाता है. उनको बिरयानी ने पहले ही पायदान पर पहले ही इस्तेमाल दिए. उन्होंने लोगों को कहा व्यापार कीजिए, दिवाली की सीजन है, छोटे छोटे जीवियों के बर्तन बिकते हैं, तो उनके व्यवसाय में कोई नहीं आए, मैं नामांकन भरने. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी आनंद व्यक्त करीत कलानी यांनी उचललेल्या पावलाचं कौतुक केलंय. ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.